वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ जाने से सब डरता है। बताओ सूरज, कौन सी जगह है वो? पता है आज है ना कोई बीमार है बहुत ज्यादा। बताओ वो कौन है, मुझे तो जाने बेचारे की तबीयत खराब हो रही है। मैं थोड़ा सा तबीयत खराब हूँ। इसके बेचारे की तबीयत खराब है तो ये कैमरा भी नहीं पकड़ पा रहा। तूने ऐसी कौन सी तबीयत खराब होती है? गाइस पता है क्या, कभी भी खाना पीना खाओ ना तो अकेले मत खाया करो, दोस्तों को खिला दिया करो, चाहे से एक टुकड़ा ही खिलाओ, नजर लग जाती है बहुत बुरी और इतना पेट में दर्द होता है कि रात को 2 बजे हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो खाना खिलाओ तो इन ऐसे दोस्तों के साथ, तो खिला देना चाहिए ऐसे दोस्तों से तो की नजरों से बचा के खिलाओ। बेचारे सूरज को नजर लग गई, उसका पेट खराब है। छी 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 छी, इसके पास नहीं पेट खराब नहीं है, पेट में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। बेचारे को रात को 2 बजे जाना ठीक है, अभी तो फिर भी ठीक है, पेट में गैस बन रही है इसके। बेचारे को ना रात को 2 बजे डॉक्टर के लेके जाना पड़ गया। हाँ यार बहुत तेज, बहुत हालत खराब हुई थी। मैं नहीं लेके गई थी लेकिन मैं अगले दिन, तो जब ये रात को 2 बजे डॉक्टर गया था मैं सो रही थी खर्राटे लेके। मुझे क्या पता, तो इसको बताया नहीं डॉक्टर, डॉक्टर के गया था डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर के चल आया क्या डॉक्टर। गाइस आज का पूरा व्लॉग है डेडिकेटेड है पूरा का पूरा जयपुर पुलिस को। yes. क्योंकि पता है क्या, एक जना बहुत खुश है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, इसका जो फोन खो गया था वो फाइनली मिल गया है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि फोन मिल सकता है, खोया हुआ। और मेरी दिनेश सर से बात हुई थी जो कि पुलिस स्टेशन में है, ये लोग कंप्लेन लिखवा के आए थे। उसके बाद मेरी बात हुई थी उनसे फोन पे कि सर हमारा फोन खो गया है कुछ। उन्होंने पता है क्या बोला था मेरे को, टेंशन मत लीजिए आपके हाथ से मिठाई खाएंगे ही खाएंगे। मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे वो कि टेंशन मत लो, हाँ ठीक है मैं फोन ढूंढ के आपसे बात करता हूँ। मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो पक्का मिलना ही मिलना था। हाँ। और मैं सोच रहा था कि यार कैसे मिल सकता है, खोया हुआ फोन कैसे मिल सकता है, उम्मीद छोड़ पॉसिबल ही नहीं है। और हाँ। अभी उन्होंने बोला था मेरे को, उन्होंने टाइमिंग भी बता दी थी कि इतने टाइम बाद एक नॉर्मल इंसान फोन को ऑन करता है, इतने टाइम बाद अपन ढूंढ सकते हैं उस फोन को। मतलब उन्होंने पूरा का पूरा बता दिया था प्लान कि इतना टाइम तो लगेगा इसमें। मतलब मैं, मेरे घर वाले रोज पूछ रहे फोन फोन और मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ के बैठी हूँ कि नहीं नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। लेकिन इसका मेरे को कॉल आया और मैं अभी परसों ही दिनेश सर का मेरे पास फोन आया कि आपका फोन एक्टिवेट हुआ है, एक्टिवेट हुआ है और मैं लेने जा रहा हूँ। हाँ, वाह यार भाई। लेकिन यार। गैस जिसके घर एक्टिवेट हुआ उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि यार अब दोस्तों से क्या ही बदले लेंगे। गाइस मतलब उन्होंने ढूंढ के निकाला, उन्होंने बोला था मुझे कि मिल जाएगा टेंशन मत लो, और वो मिल गया। और अभी हम वही क्या उनसे उनके पास जा रहे हैं, हम मिलने जा रहे हैं और फोन लेने जा रहे हैं और उनको थैंक यू बोलने जाएंगे। बहुत बड़ा सारा थैंक यू, बहुत मिस करती थी उस फोन को। फोन तो मेरा ही ना है, तो मेरा ही ना, तुम्हें को याद आती। हाँ जब तक, जब खोया नहीं था ना उससे पहले, क्या बेकार। देखो देखो चाहे कितना महंगा फोन ले लो, पुराना फोन तो याद आता ही ना। क्यों हर्ष? और है ना मैंने, एक लड़का मेरे बहुत पीछे पड़ा था, दीदी मुझे दे दो मुझे दे दो, मैंने उसको नहीं दिया, फोन चुर गया। इसको चाहिए था वो फोन की मेरे को दे दो, आप आपको जो पैसे चाहिए वो ले लेना। अगले दिन ही फोन खो गया। तभी तब से कोई बुरा नहीं कर सकता। तू कर ले मेरा बुरा, मेरा फोन चुरा, हट, तूने चुराया ना, तेरे घर पे ना वो फोन, उसका चार्जर मेरे पास है, चार्जर वापस दे, इसको चार्जर वापस, ओ चार्जर वापस दे मेरा। ले लियो फोन, मिलने का जितनी खुशी है उतना ही उसे दुख है। मेरे से चार्जर वापस ले ले, तेरा कुश्ती लेनी पड़ेगी। सही में दे दे यार, अपने बीच में कुश्ती होगी जो जीतेगा चार्जर उसका। चार्जर देख ये कट्टा, ये खेलता है, ये जीत में, इसमें जो जीता है ना, देख मैं नाखून से बचा लियो, ये हार गया। दे दे चार्जर, दे चार्जर, दे ले चार्जर। मैंने अभी सर से बात करी कि सर आपको कौन सी मिठाई पसंद है, तो इतने प्यारे हैं वो, उन्होंने बोला कि कोई मिठाई नहीं चाहिए मुझे, आकर अपना फोन ले जाइए। देखो चीखेगी 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 चीखेगी, मेरी घर दी ना चीख खराब ना यार, अच्छे से रिकॉर्ड होता चीख बहुत कम। हमारा वीडियो करो, हम आपकी चीख भी ना करें। मेरी चीख रुक गई। देखो देखो सूरज बर्फ खा रहा है, क्या खा रहा है तू? बर्फ खा रहा रा, कितनी गलत चीज होती है बर्फ खाना, पागल है क्या तू? अच्छी आंटी देखो इसने क्या बोले, जरा जी घबरा रहा है तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने तो ला हर से बर्फ देना। हां यार वैसे टेस्टी तो होती है बर्फ। आज आज ऐसी का फोन आएगा और आज पार्टी होगी, पार्टी होगी। मुझे पता है चोरी के, मैंने तुझे बहन समझ के चार्जर रख लिया।
देख अपने बीच में कुश्ती होगी जो जीतेगा चार पॉइंट उसका। मेरी तरह से कुश्ती सूरज लड़ेगा, नहीं ठीक है किसी को भी बुला ले, इनको सबको पता है कि मेरे को नहीं हरा सकते। मैं जिम्मा दुबे से बात करती हूं साले, इतना मारूंगा इतना मारूंगा। अरे ओ बीमार आदमी मत कर पागल, गलत टाइम जोश नहीं दिखाते, चुप रह। पिट जाऊंगा मैं, मेरी पिटाई रिकॉर्ड भी हो जाएगी। हां मैं करूंगी रिकॉर्ड ही करा जाए इसकी पिटाई। नहीं यार भाई नहीं, कुछ काम है हमें। तो अब हम जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए। वैसे तो सर ने मना कर दिया कि नहीं लानी नई मिठाई वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप बस आ जाइए फोन ले जाइए, लेकिन फिर भी यार मिठाई तो बनती है सर के लिए। भूल गया क्या, तेरी सेकंड विजिट है? सेकंड विजिट। अच्छा गाइस मैं आपको बताता हूं एक और चीज, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और ये हम सेकंड टाइम जा रहे हैं। पहली बार जब हम गए थे तब हमारी बहुत बुरी डांट पड़ी थी, लेकिन आज तो हम फोन लेने जा रहे हैं। और जब पहली बार गए थे तब मैं और अभिषेक साथ में गए थे, हम हमारे साथ दो जने और थे, हम क्या एक्चुअली 9th क्लास में थे, तो हमने थोड़ी सी बदमाशी कर दी थी उस टाइम पर, ट्रैफिक लाइट तोड़ी थी। एक्चुअली क्या, हम ट्रैफिक लाइट तोड़कर हम चार जने थे एक ही स्कूटी पे, और उधम मचाते हुए लोगों को परेशान करते हुए ऐसे करके जा रहे थे। तो वहीं पर हमारे को हाँ, तो वेव ऐसे वेव बनाते हुए जा रहे थे स्कूटी पे, तो हमारे को बन गई और उस दिन हमारी वेव बन गई। एक्चुअली क्या, एक पुलिस अंकल थे वो भी बाइक पे जा रहे थे पास से, अब उन्होंने उधम करते हुए देख लिया हमारे को और उन्होंने गाड़ी लगा दी आगे। सूरज अगर है ना वहाँ पुलिस वाले, वही अंकल निकल जाए और तुमको दोनों को वापस बिठा लेते, बेटा चलो सजा पूरी नहीं हुई उस दिन, मजा आ जाएगा। और उस दिन एक्चुअली मैं तो तेरा व्लॉग बना दूंगी। हमारे को फिर पुलिस स्टेशन लेके गए, फिर हमारे मम्मी पापा को बुलाया, डांट पड़ी और चांटे पड़े हमारे, पुलिस अंकल ने नहीं मारे, घर वालों से पड़ी डांट। तो बस वही है, उन्होंने पेरेंट्स को कंप्लेन करी थी, तो हमारे पेरेंट्स को बुलाया था। हमारी तो बहुत फट रही थी, बहुत बुरी, पुलिस स्टेशन में से बैठे थे हम, कुछ भगवान बचा लो, सारे भगवान याद आ गए थे उस टाइम में। मेरी भी सेकंड विजिट है पता है। तेरी कैसे? पहली बार कंप्लेन लिखाने भी तो गई थी। अरे और उसमें उसमें पता है क्या हुआ था, उसमें ये पता है बैठे बैठे क्या सोच रहा, किधर से भागू कैसे, किधर से भागू, किधर से भाग रहा, अगर मेरे को पकड़ लेंगे तो किधर से भाग चला गया था बैठ के। उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था, मतलब मेरे को डर ये लग रहा था कि यार पेरेंट्स आएंगे, घर वाले मम्मी पापा मारेंगे मुझे, डांटेंगे, बोले क्या कर रहा है तू, हम तो तेरे को पढ़ने भेज रहे हैं और तू ये कहाँ घूम के कहाँ पुलिस स्टेशन पहुंच गया, पता नहीं क्या कर दिया तूने। तो बहुत डर गया था मैं उस टाइम पर। और लेकिन एक और चीज बताया क्या, हम वहां से हमको वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह लिखवा के मम्मी पेरेंट्स वगैरह आ गए हमारे, फिर हमारे को वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैं अभिषेक के साथ ही आ रहा था वापस घर, आते आते हमारे को लग रही थी बहुत तेज भूख, तो फिर हमने वापस से पारी कर ली। हम बेकरी चले, हम पहले बेकरी गए खाए पिए, कि मैंने कहा भाई अब भूखे पेट तो डांट नहीं खानी घर पे, पहले खा पी लो फिर डांट खाएंगे। और हंसरे खाते खाते और हंसरे खाते खाते बोले कितने बेश्रम है हम यार, पूरे घर पे जाके कुटाई होगी लेकिन पहले थोड़ा सा हंस लो। इसलिए जिंदगी और पुलिस स्टेशन हमेशा याद रहता हमको। उसके बाद से हमने कभी भी बदमाशी नहीं करी वैसे अभिषेक, उसके बाद से अपन एक 9th क्लास में सुधर गए। उसके बाद से कभी इवन ट्रैफिक पुलिस वाले तक नहीं पकड़ा। हां मतलब उसके बाद से आज तक हमारे को ना ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ मारा है, कभी नहीं पकड़ा, मतलब एकदम सेफ, मतलब हम रूल्स के हिसाब से चलने लग गए, हम सुधर गए थे। उसके बाद वो एक विजिट हमारे को पूरे लाइफ टाइम के लिए सुधार दिया हमारे को, क्योंकि डर गए थे यार हम बहुत ज्यादा यार। सही बात, और सही टाइम पे हुआ था वो, बचपन में हो गया था तो डर बैठा हुआ है अंदर। यशी और अभिषेक गए हैं मिठाई लेने के लिए, और इसको बोला था लेकिन ये है आलसी, और आप भी तो जा सकते थे लेकिन आप तो बीमारी का बहाना करके कल से बैठे हुए हो, कोई काम तो कर नहीं रहे हो आप भाई साहब। घंटे के बाद भाई इतना टाइम लगता है क्या मिठाई लेने में? भाई मिठाई ले आए, तो चलते हैं अब पुलिस स्टेशन। तो पहुंच गए हम पुलिस स्टेशन, तो अभी हम हैं पुलिस स्टेशन में और सर हैं जिन्होंने हमारा फोन ढूंढा। तो दिनेश सर है मैंने जिनके बारे में बताया था आपको, जिन्होंने हमारे को बोला था सीधे कि आप टेंशन मत लो, आपको फोन पक्का से मिल जाएगा। सर थैंक यू सो मच, मतलब मैंने तो आते ही पहले सर के पैर छुए कि सर आपने मतलब कमाल कर दिया, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सर कि फोन मिल जाता है, कैसे फोन क्योंकि खो जाता है, सबका खो जाता है कुछ, कभी बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन सर ने मुझे फोन पर बोला था कि आप चिंता मत करिए आपके हाथ से मिठाई खाएंगे, तो अब सर को मिठाई, सर मिठाई तो बिल्कुल अब मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगा। सर बताओ कौन सी खाना पसंद करोगे आप? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा सर को मिठाई। यशी का फोन जो फाइनली मिल गया है और बिल्कुल सही सलामत, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में एकदम मस्त, मतलब जैसा था वैसा ही है, बिल्कुल मिल गया। मतलब मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा फोन वापस मिल गया है हमारे को। सर आपको सैल्यूट और दिल से शुक्रिया कि सर मजा आ गया, सर सच में बहुत मजा आ गया।
और अभी दो दिन पहले ही सर ने बोला था कि आपका फोन एक्टिव हुआ है, आपके पास तो नहीं है, एक कंफर्मेशन लिया था, एक्टिव हुआ है फोन आपके पास तो नहीं है, एक बार बता दीजिए। मैंने बोला सर हमारे पास नहीं है, तो सर ने बोला ठीक है कल आ जाना मैं ले आऊंगा। तो अगले दिन हम आकर और सर से फोन लेकर जा रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और गाइस देख लो जयपुर पुलिस ऑन टॉप। जयपुर पुलिस ऑन टॉप। तो फाइनली हमारा फोन हमारे पास है। वो मेरे घर वाले बहुत चिल्ला रहे थे ना मेरे पे, फोन खोया ही खोया। अब बताऊंगी तुम सबको, देखो मारेंगे देखो मिल गया। सारा का सारा थैंक्स जयपुर पुलिस को। ओके गाइस, तो अब पार्टी होने वाली है। तो ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।